तो आज हम शुरू करेंगे अपनी एक अमेजिंग और क्रेजी सी सर्वाइवल सीरीज। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वाली जो सीरीज है, वैसे तो ये मेरी पहली सीरीज है, सीजन वन के सीजन अरे कहना क्या चाहते हो? अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, सीजन वन का ये एपिसोड वन है। तो ये जो सीरीज है ये अमेजिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं ये वाली जो सीरीज है इसमें बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक चीज़ें बनाऊंगा, मतलब जितनी भी चीज़ें बनाऊंगा उन सबको ऑटोमेटिक करने की कोशिश करूंगा और जितनी भी चीज़ें होगी मैं उनको बड़ा से बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा। तो इस वाली सीरीज में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं खेल रहा हूँ पॉकेट एडिशन में और ये मोबाइल में खेल रहा हूँ मैं, बस मैंने ये बटन हाइड करने वाला मोड लगा रखा है ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। और अगर आप कहोगे कि आप शेडर लगा के खेलो तो मैं शेडर भी लगा लूँगा। तो ज़्यादा नहीं बोलता, अब मैं जल्दी से वुड काट लेता हूँ और वुड काट के हम चलते हैं। तो इस वीडियो के हमारे दो गोल होने वाले हैं। पहला गोल कि हमें पूरा एक आयरन का आर्मर बनाना है, आयरन ढूंढ के। तो ये तो कॉमन सी बात है यार कि अगर आयरन का आर्मर बनाना है तो आयरन तो फाइंड करना ही पड़ेगा। और जो हमारा दूसरा गोल है वो है कि हमें एक विलेज फाइंड करना है और ऐसी जगह फाइंड करनी है जहाँ पे हम अपना एक प्यारा सा बेस बना सके। तो अभी तो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और सामने स्प्रूस की बायो में, तो सबसे पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ स्प्रूस की वुड लेके, फिर हम विलेज ढूंढने निकलेंगे। मैं इस साइड तो आ चुका हूँ और यहाँ पे बेरीज भी है, बेरीज भी ले लेंगे। इस पेड़ की मैं एक सैपलिंग ले लूँगा, सैपलिंग लेने का इंतज़ार करता हूँ और फिर हम दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि मेरे को ना खाली प्लेन। और गाइज आपको जैसे कि पता होगा ये जो माइनक्राफ्ट का 1.19 अपडेट है इसमें वार्डन भी ऐड हुआ है और बहुत सारी नई चीज़ें ऐड हुई है, एक नई बायोम भी ऐड हुई है, मंगरू बायोम। तो उसमें भी मैं उसको भी बाद में ढूंढेंगे, अभी तो ये सैपलिंग लेके चलते हैं विलेज ढूंढने। अरे मिल गई ना, हाँ। तो अब मैं जल्दी से दूसरी डायरेक्शन में चलता हूँ विलेज को ढूंढने, उस डायरेक्शन में चलते हैं। उस डायरेक्शन में मेरे को डेजर्ट दिख रहा है और उसके आगे प्लेन्स भी थी शायद। हाँ गाइस प्लेन्स ही है, प्लेन्स ही है। इनसे पूछता हूँ, तुमने विलेज देखा क्या? अरे बक गाय, विलेज देखा तूने? बोल। नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी। रुक 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 रुक। अरे मर जा भाई, क्या हो गया भाई? अरे भाई जादुई गाय है क्या? तो अभी मैं सबसे पहले ना वुड के टूल्स बना लेता हूँ। यार मैं ऐसे क्यों घूम रहा हूँ? ओके okay. मैं पागल हूँ क्या? फिर मेरे को स्टोन दिखेगा कहीं पे भी? वैसे तो मैं जमीन के नीचे जाके भी स्टोन माइन कर सकता हूँ पर वहाँ पे मेरे को नहीं जाना, वो छोटे लोग करते हैं। हाँ छोटे लोग करते हैं, मैं बड़ा लोग हूँ। हाँ मैं बड़ा इंसान हूँ। सॉरी गाइस सॉरी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो सामने की तरफ तो मुझे पहाड़ दिख रहा है, कोई केव मिल जाए यार, केव मिल जाए या विलेज मिल जाए, कुछ तो मिल। बकरी मिल रही है वैसे, बस कोई नहीं इससे पूछते हैं। ओए तूने केव या वो देखा विलेज? इग्नोर मारेगी, इग्नोर भाई। दो शॉट में मर गई भाई। चलो बेड का भी जुगाड़ हो गया। और उस तरफ में मेरे को कद्दू दिख रहा है, कद्दू, तो हम कद्दू भी ले लेते हैं जाके वहाँ से। और यहाँ पर मुझे सुअर भी दिख रहा है। ओए सुअर, सुअर सर, वाह क्या नाम रखा है मैंने, सुअर सर। सुअर जी चलो बताओ मेरे को, आपने देखा कहीं विलेज? भाई ये भी इग्नोर मार के चला गया भाई, अब मैं किसी से नहीं पूछ रहा भाई, बेइज्जती मार रहा है भाई सब। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वैसे मेरे से ज्यादा प्रो कोई नहीं होगा भाई, पिकेक्स से मैं कद्दू तोड़ रहा हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे थैंक यू जी। चुप, बिल्कुल चुप। अभी मैं जल्दी से स्टोन माइन करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इस वीडियो में मैं एक लाइक का गोल भी लगाऊंगा। वैसे तो मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते, पर अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं, तो कर देना। मैं तो गोल कितना लगाए, तो आज मैं लगाता हूँ 5 लाइक्स का गोल। तो इतना तो मेरे को उम्मीद है आप कर ही दोगे। और मेरे को यहाँ पे कोल भी मिला है, कोल भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइज अगर आपको भी माइनक्राफ्ट 1.19 का अपडेट खेलना है ना, तो मेरी ये वाली वीडियो जाके चेकआउट कर लो, जो आई बटन में भी शो कर रही होगी आपको और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा मैं।
तो ये वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा माइनक्राफ्ट 1.19 अपडेट का। और ये जो मैंने बटन हाइड करने वाला मोड लगा रखा है ना, अगर आपको ये चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बोल देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। तो अभी तो मैंने इनफ स्टोन और कोल माइन कर लिया है, अभी थोड़ा और स्टोन ले लेता हूँ क्योंकि फर्नेस वगैरह भी बनाना पड़ेगा लेता हूँ। और रात भी होने वाली है गाइस, चलो मेरा बेड का जुगाड़ तो हो रखा है पर मुझे विलेज ढूंढना है यार, कुछ भी करके विलेज मिल जाए। इस डायरेक्शन में ही चलते रहते हैं, क्या पता विलेज मिल जाए या फिर केव मिल जाए, कुछ तो मिल जाए भाई। ये केव है क्या, यहाँ पे जाके देखते हैं। अगर रात हुई और रात तो हो ही गई भाई, केव हुई तो रात यहीं गुजार लेंगे। मेरे पास कोल है ना, मैं टॉर्च बना लेता हूँ। और गाइस मैं जितना हो सके उतना एपिसोड को छोटा रखने की कोशिश करूँगा ताकि आप बोर ना हो, और अगर आप कहोगे कि बड़ा एपिसोड बनाओ तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, आपकी तो सुननी पड़ेगी। ओ भाई ये क्या है भाई, भाई 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 ये क्या मिल गया भाई। यहाँ पे अगर मैं नीचे गया तो मुझे डायमंड भी मिल सकता है, आयरन तो छोड़ो, आयरन तो मिल ही जाएगा भर भर के। पर यहाँ से मैं पहले थोड़ा कोल कलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ पे ना जाऊँ भाई, यहाँ पे ज़रूर मैं मरूँगा, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है। वैसे रात हो रही है, मैं जा भी सकता हूँ, बाहर भी क्या ही करूँगा, बाहर भी मेरे को मरना ही है। नीचे पानी है, मैं जा सकता हूँ भाई, अगर मेरा मरा ना मैं तो गया, क्योंकि मुझे वहाँ पर सुतली बॉम्ब भी दिख रहा है भाई। जाऊँ क्या, आयरन मिल जाएगा, पर मैं ऊपर कैसे आऊँगा भाई, ऊपर नहीं आ पाऊँगा मैं। चलो छोड़ो, पहले सबसे पहले मैं एक बेड बना लेता हूँ, बेड बना के सुबह करते हैं, फिर बाहर जाके विलेज ढूंढते हैं, फिर विलेज में अगर जो आयरन गोलम होता है उसको मार के एक स्वॉर्ड या शील्ड बनाऊँगा, हाँ शील्ड बनाऊँगा, फिर मैं इस केव में आऊँगा, इस केव में या फिर विलेज के पास कोई केव हुई तो। यार पता भी चले विलेज कितनी दूर होगा यार अभी तो। अभी मैं ये वाले जो बेड है मैं तोड़ लेता हूँ, और क्राफ्टिंग टेबल तोड़ के अब हम निकलते हैं अपने विलेज की खोज में। अभी मेरे को मकड़ी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ है अभी तो मुझे मकड़ी की आवाज़ आए जा रही है, पर कोई नहीं, हम तो चलते रहेंगे जब तक विलेज नहीं मिल जाता, चलते रहेंगे। यहाँ पे भी शायद से केव है, हाँ हाँ हाँ, ओ सामने विलेज भी है गाइस, तो हमें विलेज फाइनली, देखो मेरे पीछे दिख नहीं रहा लॉल। चलो विलेज तो हमें मिल ही गया, यहाँ पे देख लेते हैं आयरन है क्या। ये वाले मशरूम भी मैं तोड़ लेता हूँ क्योंकि ये नेदर में मिलते हैं, और जब तक नेदर नहीं जाते उससे पहले जरूरत पड़ गई तो काम आएंगे। अरे 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 भिखारी आ गया बह करने। अरे भाई 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 मर लगी नहीं रही उसे, वो भाई लगी नहीं रही उसे भाई, अभी मैं मरता भाई, मरते मरते बचाओ। चलो थोड़ा सा खाना भी मिल गया इनसे, सुतली बॉम्ब भी है भाई, मैं नहीं जा रहा अभी, मैं जा ही नहीं रहा, माफ कर दो भैया। तो हमें फाइनली विलेज मिल चुका है, और हम मरने भी वाले हैं, कहीं से भी गिरे या फिर अगर आयरन गोलम ने हमें सही तो बोल रहा था यार, अबे साले ये रहा आयरन गोलम, इसे मारे क्या। अरे भागो भाई, भाई बच गया, अभी मैं मरता भाई, भाई इससे पहले थोड़ी दूर भाग लो भाई, पता नहीं है कभी ये तेज आ रहा होता है कभी धीरे आ रहा होता है। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस वाले पहाड़ पे चढ़ जाऊँ, और क्या पता इसके ऊपर ही केव मिल जाए, क्योंकि जब हम उस तरफ से आ रहे थे वो भी यही पहाड़ था और इसके अंदर बहुत बड़ी केव थी। तो मेरे को कोई ना शॉर्टेस्ट रास्ता चाहिए ताकि मैं आराम से उस पर जा पाऊँ, क्योंकि वहाँ से तो बहुत भाई ऊँचा था भाई, वहाँ से तो गिरते ही मरूंगा भाई, वहां से तो फेदर फॉलिंग भी नहीं बचा सकती मुझे। अच्छा हमको सिखा रिया है? है नहीं वैसे मेरे पास, फिर भी बता रहा हूँ मैं कि नॉलेज के लिए। पूछा मैंने कुछ भाई, यहाँ पे ब्लू फ्लावर भरे हुए हैं। एक तो एक घर है, बहुत अच्छी जगह पे बनाऊंगा, इसको तोड़ के मैं अपना घर बना लूंगा भाई यहाँ पे। पर नहीं पहाड़ पे नहीं बनाऊंगा, पहाड़ पे कुछ तो बना लेंगे, वॉच टावर टाइप का सोचेंगे भाई बाद में। यहाँ पे ऊपर भाई फ्लावर बायो में बस एक ही तरीके की लग रही है, मुझे पता नहीं क्यों भाई। ये कैसा पहाड़ है भाई, ऐसा लग रहा है प्लेन्स बायोम हो जैसे। यहाँ पे केव है क्या, लगता है ऐसा ही रहा। हाँ देखो गाइस मिल गई फाइनली मुझे वही केव, और यहाँ पे पानी भी डला हुआ। अरे 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 भाई मुझे गिरना नहीं है, यहाँ पे एमएलजी करके देखते हैं। चलो हाँ वो लैग हो गया था गाइस, लैग हो गया था इसलिए नहीं कर पाया, वरना जरूर कर लेता मैं। अब यहाँ से भाई मैं एमएलजी का रिस्क नहीं लेने वाला, क्या पता फिर से लैग हो गया तो पानी में कूदते हैं सीधा भाई, क्या ही छलांग मारी है। अरे 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 भाई आती हेल्थ कम हो गई इतनी,
बस यहाँ पे ज़्यादा मोम ना मिले, आते ही आयरन तो दिख गया है मुझे। तो गाइस अब आप इंजॉय करो एक छोटे से आयरन माइन करने के मोन्टाज को। तो गाइज अभी मैं चलते चलते ही इधर से बाहर तो आ चुका हूँ पूरा चढ़ चढ़ के भाई ब्लॉक्स लगा लगा के। बस अब बाहर ना रात हो रही है, अब मेरे को जल्दी से यहाँ पे पहले सो जाता हूँ ताकि कोई मेरे को मार ना दे। गाइज वीडियो ऐसी बहुत लंबी हो गई है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पे अपना आयरन जो है पूरा स्मेल्ट करके यहीं पे आर्मर बना लेता हूँ। फिर अगली वीडियो में तुम देखो भाई तुम्हारा भाई क्या ही घर बनाएगा, क्या ही बेस बनाऊंगा भाई। और फिर उसकी अगली वीडियो से फार्म ही फार्म चालू होएंगे भाई, ऑटोमेटिक चीज़ें फार्म्स वगैरह ही। गाइज अभी मेरा गोल कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास आयरन तो पूरा है भाई। बताओ मैं आयरन इतना तोड़ के ले आया, मेरे पास वुड ही नहीं है टूल्स बनाने के लिए। हमारा गोल तब तक कंप्लीट ही नहीं होएगा जब तक मैं टूल्स भी पूरे नहीं बना लेता। तो हमें सबसे पहले टूल्स भी बनाने पड़ेंगे और मेरे को आराम से उतरना पड़ेगा भाई, मैं मर ना जाऊँ। अभी मैं भाई ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, वीडियो भी लंबी हो गई है। तो मैं इनके घर से ही अभी तोड़ रहा हूँ, बाद में रिपेयर कर दूंगा भाई तुम्हारा घर में। अरे यार एक तो इन्वेंटरी भी फुल है, ये फुल फेंको यार, किसी काम का नहीं है। तो गाइस फाइनली मैंने अपना पूरा आयरन का आर्मर और टूल्स बना लिए है। तो गाइस फाइनली मैंने अपने आर्मर पूरा बना लिया और एक शील्ड भी हमारे पास और सारे के सारे जो टूल्स मैंने आयरन में अपग्रेड कर लिए है मेरे, और पुराने वाले टूल्स मैंने फेंके नहीं है, अभी मेरे पास ही है। और मैंने एक वाटर बकेट भी बना लिया है। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं आज की वीडियो में और कुछ नहीं करने वाला, हमारे दोनों गोल कंप्लीट हो गए हैं। और मैंने भी आपको याद हो तो एक गोल दिया था आपको कि आप, अरे यार गाय तेरे को क्या है रे हटना। तो गाइज मैंने भी आपको याद हो तो एक गोल दिया था लाइक्स का, तो आप भी वो कंप्लीट कर देना अगर आपको याद नहीं रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। वैसे एडिट करके मैं बहुत छोटी बना दूंगा इसे, तो आपको याद नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, आप 5 लाइक्स ज़रूर करवा देना। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि अगली वीडियो से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम करूँगा मैं माइनक्राफ्ट में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में इंटरेस्टिंग सी और क्रेजी सी, क्योंकि अगली वीडियो भी मैं सर्वाइवल सीरीज़ की ही डालूंगा और बहुत जल्दी जल्दी एपिसोड लाने की कोशिश करूंगा। आप बस पूरा सपोर्ट दिखाते रहना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।